स्वागत है इंडेक्स के इस वीकली आउटलुक में, जहां मैं विकास बगड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, फाउंडर ऑफ चार्ट एंड ट्रेड डॉट कॉम, ऑथर, मेंटर, ट्रेडर, आपके साथ डिस्कस करता हूं बाजार में प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स के बेस पे क्या हो सकता है, क्या एंट्री लेवल हो सकता है, बाजार गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, बाजार बढ़ेगा तो कहां तक जाएगा। तो पूरे एक हफ्ते का हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा ट्रेड प्लान बनाते हैं कि पूरे इस हफ्ते, अपकमिंग वीक में हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके की स्ट्रेटेजीज रहेंगी। तो लास्ट वीक जैसा हमारा था, हमने प्लान कर रखा था कि बाजार कहीं से 19,400 के आउट जोन से कहीं से सपोर्ट लेगा। बाजार ने वहां से सपोर्ट भी लिया एंड थोड़ा सा बाउंस भी दिया। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, आपके सामने डेली चार्ट है, ठीक है। ये जब निफ्टी का जो डाउनफॉल का जोन था, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रहा है। देख रहे हो, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करके जो गया ना, कि देखो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इस बार भी इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब अगर बाई चांस अगर ये ट्रेंड लाइन का, अभी देखिए इतना जल्दी ये टूटेगा नहीं, अगर ये टूटेगा भी तो इतना जल्दी तो नहीं टूटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर एक डबल बॉटम निफ्टी ने बना दिया, ठीक है। दिस इज द जोन 19,380 पे निफ्टी ने फिर से एक डबल बॉटम बना दिया और इस जोन का सपोर्ट को निफ्टी फ्यूचर ने वापस से ले लिया डेली चार्ट में। और यहां से देखिए शुक्रवार के सेशन पे हमें एक लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, ठीक है। तो अब आते हैं अगले वीक के, अपकमिंग वीक के हम लोग ट्रेड प्लान पे जाते हैं कि कैसे हम लोगों को ट्रेड प्लान को बनाना है। आवर्ली चार्ट, एमएसईडी में बुलिश क्रॉसओवर है, निफ्टी ने ये जोन का सपोर्ट लिया है, मेरे लिए लोअर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट एकदम इंटैक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं मंडे को अगर 19,624 के ऊपर, लेट मी जस्ट सी, 19,624 का ये जो जोन है इसके ऊपर चलेगा तो आई विल ट्राई टू बाई। थोड़ा सा फिल्टर दे लीजिए, 630 मान लीजिए, 19,630 के ऊपर चलेगा तो नेक्स्ट वीक में हम लोग बाई करेंगे और हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के करीब का, रहेगा 19,500 के करीब का स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग टारगेट वॉच करेंगे। फिर हमारा जो टारगेट रहेगा ये जोन का रहेगा, क्लियर, ठीक है। क्योंकि एमएसईडी आवर्ली में बुलिश है, अगर हमारे ये प्राइस एक्शन पे ये रेजिस्टेंस जोन निकल गया था तो हमें प्योरली ये 19,850 तक का जोन मिल जाएगा। तो 19,650 के ऊपर बाई करना है, 630 के ऊपर बाई करना है और 850 के करीब का फर्स्ट टारगेट रखना है, 500 का स्टॉप लॉस रखना है। अब अगर यहां से ऊपर चला गया तो फिर हम लोग वापस से न्यू हाइस की तरफ इसको, प्रीवियस हाइस को टेस्ट करता हुआ देखेंगे। ये हुआ बुलिश केस सिनेरियो, ठीक है, कि 19,600 के ऊपर बाई करना है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भेज देता हूँ, बाई अबव 19,630, 19,850, ये वीकली ट्रेड प्लान है दोस्तों, ठीक है। किंतु अगर ये तो मेरा बाई के सिनेरियो रहा, किंतु बाजार अगर यहीं से टच करके और ये रेजिस्टेंस जोन को वापस एक ट्रेंड लाइन का, एक छोटा सा यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन बना लिया, ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है, या एक प्रोबेबिलिटी ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है, हो सकता है बाजार बाउंस दे और यहीं तक टकरा के 790-800 पे कहीं पे यही ट्रेंड लाइन पे टकरा के यहीं से गिर जाए, ठीक है। तो हमें ये ट्रेंड लाइन को भी बहुत क्लोजली ध्यान पे रखना है, 790 का। अब हो सकता है कि मंडे को बाजार ऊपर जाए ही नहीं और ये नीचे का सपोर्ट जोन, 500 के नीचे का सपोर्ट जोन ब्रीच करते, तो अगर 500 का नीचे का सपोर्ट जोन ब्रीच करता है, आई विल डू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये वीकली ट्रेड प्लान है, इंट्राडे ट्रेड नहीं है,
मैं वेट करूंगा 19,400 पे ये जोन टूटने का। आई विल जस्ट वेट कि ये जोन टूट जाए। मैं कोशिश करूंगा कि ये जोन बाजार तोड़ दे, ठीक है। ये जोन जैसे ही तोड़ेगा आई विल गो ऑन ए शॉर्ट साइड, और मेरा तब टारगेट होगा, यहाँ पे बड़ा टारगेट होगा 19,000 के लिए। तो यहाँ पे अगर 19,400 के नीचे बाजार सस्टेन करता है तो मैं 19,000 के लिए राइड करूंगा, और स्टॉप लॉस फिर मेरा वही रहेगा 19,550 का, ठीक है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस आपके लिए है। सेल बिलो 19,400 फोर टारगेट 19,000, स्टॉप 95,000। ये अपना निफ्टी का ट्रेड प्लान यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है एज पर टेक्निकल चार्ट, ठीक है। तो ये मैंने देखिए आपको एकदम पूरा प्राइस एक्शन एमएसडी के हिसाब से पूरा एकदम आवर्ली पे पूरा एनालिसिस करके बता दिया। अगर 30 मिनट पे जाओगे आप देखोगे कि 30 मिनट में अभी तक हम लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे कॉन्कॉर्ड नहीं किया है। यहाँ से जो गिरता है तो हो सकता है दिस इज ए लेवल कि मंडे को मेरे को इसके ऊपर जाए ही नहीं, 620 चीज के ऊपर जाए ही नहीं, और यहीं से रिट्रेस करना चालू कर दे। बट टू बी ऑन द वेरी सेफ फॉर साइड की क्योंकि वीकली ट्रेड प्लान है, बड़ा पैसा बनाने के लिए है, तो हम लोग इसमें उस तरीके से लेवल्स को देखेंगे। बैंक निफ्टी अपने चेंजिंग पोलैरिटी के हिसाब से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आके सपोर्ट लेके घूमा है। अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अपने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन को वायलेट किया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस के प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, मतलब थर्सडे को, बट फ्राइडे को इसके ऊपर जाने की कोशिश किया। अब अगर मंडे को इसको कॉन्कर करके वापस ऊपर चला जाता है तो देनी है बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव साइन है। एल्स अगर ये जोन टूट जाता है 44,500 के नीचे बैंक निफ्टी फ्यूचर बंद हो जाता है तो देन हम लोगों को करेक्शन थोड़ा सा गहराता नजर आएगा, और करेक्शन का जो इंटेंसिटी है That should be somewhere close to these levels. That should be close to somewhere this level 43,200. ठीक है, नहीं तो बैंक निफ्टी का आवर्ली चार्ट में हम लोग फटाफट डिकोड कर लेते हैं हमारा ट्रेड प्लान। ठीक है, आवर्ली चार्ट में बुलिश है बट लॉन्ग टर्म ईएमए के नीचे है, एंड हम लोग अगर प्राइस एक्शन पे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जोन पे देखिए रेजिस्टेंस जोन से शुक्रवार को फिर से एक बार ऊपर जाके टकराया, और टकरा के हाथों हाथ नेक्स्ट 2 घंटे में वापस नीचे गिरा। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं प्राइस एक्शन पे बात करूं तो अगर मंडे को 45,200 के ऊपर चलता है, इफ गोज अबव दिस लेवल, पैतालीस हजार 200 के ऊपर थोड़ा सा डिसाइसिवली मैनेज करता है, देन आई विल लुक टू गो लॉन्ग और टारगेट ऑफ 44,000-45,500। तब मैं एक टारगेट देखूंगा यहां का पहला टारगेट, हो सकता है यहीं पे टकरा जाए, और यहां पे नहीं टकराएगा तो देन आई कैन लुक फॉर अ टारगेट ऑफ, तब हम लोग फिर सेकेंड टारगेट यहां पे देखेंगे यहां के लिए 45,900 के लिए। बट अगर मंडे को बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे, मतलब मंडे ट्यूजडे पूरे वीक के लिए है, तो अगर ये सपोर्ट जोन टूट जाता है, ठीक है, देन हम लोग एक गंदा वाला करेक्शन चालू हो जाएगा बाजार में, और वो हो सकता है आपका ही रुके आ गए
यहाँ तक करीब आके रुकेगा 43,700, और नहीं तो फिर वो डेली चार्ट का टारगेट चालू हो जाएगा बड़ा वाला टारगेट के लिए। फिर बड़ा वाला टारगेट 43,200 के करीब तक का टारगेट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल्स को बहुत ध्यान पे रखिए, ठीक है, कि ये लेवल्स बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए राइट डाउन डाउन कर देता हूँ, बाई अबव 45,200 टारगेट 1,500 45,750 स्टॉप। इसका स्टॉप बनेगा जब हम लोग एंट्री करेंगे आवर्ली चार्ट के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे जब एंटर करेंगे इस लेवल के ऊपर, तो हमारे स्टॉप लॉस जो है विल टेक दिस स्टॉप लॉस एट 44,900, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। एक्सपो का 45,200 टारगेट 45,500 45,750 स्टॉप 44,900 ये हुआ बाई के सिनेरियो। सेल के सिनेरियो, ये है सेल का सीन, ठीक है। तो अगर 44,500 के नीचे चलता है, हम लोग 44,750 का स्टॉप लॉस देंगे। ऊपर के रेजिस्टेंस का क्यों देंगे, इसके नीचे हम लोग लेंगे। अगर हम लोग इसके नीचे ट्रेड लेंगे तो मैं यहाँ के करीब का ये जो प्राइस एक्शन का जोन है इसी के ऊपर का सपोर्ट दूंगा नेक्स्ट ब्रैकेट का। और मैं टारगेट जैसे कि मैंने डेली चार्ट पे दिखाया कि जब फिर एक ओपन सुनामी है फॉल का, तो फॉल 1,000-2,000 पॉइंट तक का फॉल हो सकता है, तो वहां तक ये बाजार जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा इंडेक्स पे एक्सट्रीमली प्राइस एक्शन के बेस पे पूरे वीक का आउटलुक 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक के करीब का आउटलुक है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। अगले वीक आपके साथ फिर मिलेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आइडियाज के साथ में। टिल देन कीप फॉलोइंग मी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए दोस्तों, क्योंकि वहां मैं टेक्नो फंडा पिक्स और ड्यूरिंग द वीक भी मैं बहुत सारी चीजें लेके आते रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है @ चार्ट एंड ट्रेड। तो कीप फॉलोइंग मी। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।